दोस्तों आज शॉप पे आए हमारे सब्सक्राइबर सर, आपका शुभ नाम? अनुज, दिल्ली से। अनुज जी दिल्ली से हैं। कहाँ पे स्टे कर रहे थे सर आप? हम शाहविला में कर रहे थे। हाँ। अभी ढिकुली में रिजॉर्ट में रुके हैं, दो दिन वहाँ रुके। अच्छा, आज आज वापसी है? आज नहीं, कल वापसी। अच्छा, कल वापसी। आज ढिकुली में रुकेंगे आप? आज ढिकुली में रुकेंगे। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कल तो वीरू जी से मिल नहीं पाए हम, तो आज दोबारा आए मिलने के लिए। ओके, बट बड़े अच्छे, इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है। बहुत डाउन टू अर्थ हम्बल आदमी है। और हमारी यहाँ इस बार विजिट भी बहुत बढ़िया रही, बहुत इंटरेस्टिंग। सो लेपर्ड साइट हुआ, बहुत सारी कॉलिंग भी हुई, किल भी हुआ शाहविला से। हमने किल को भी नोटिस किया वहां से, कि किल को भी नोटिस किया कि 100 मीटर दूर अंधेरे में था तो दिख तो नहीं पाया कि क्या हुआ। सर्च लाइट्स बहुत मारी, बट ऑडियो इफेक्ट्स बहुत सच्चे आ गए। कल लेपर्ड भी दिखा बता रहे थे? लेपर्ड भी दिखा, हाँ, रानीखेत रोड पे। ऑन रोड? ऑन रोड नहीं, पहाड़ी पे। अच्छा, पहाड़ी पे। पहाड़ी पे आप ऑन रोड थे? हम रोड पे थे, मैं गाड़ी के बिल्कुल ऐसे ऊपर था। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों सफारी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपनी गाड़ी से भी अगर घूमते हैं तो जिस साइड में दोनों साइड जंगल होता है उस साइड में को एनिमल्स का क्रॉसिंग रहता है तो दिखेगा। टाइमिंग इम्पोर्टेंट है सब, आपकी रोड पे जाने की। दोपहर के टाइम कोई फायदा नहीं है, या तो मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे तक कर लो, या शाम को 4 बजे के बाद, और आराम आराम से जंगल एंजॉय करते हुए चलो, कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। 10 से 20 की स्पीड में धीरे धीरे चलते रहो अपना ध्यान से, और कहीं एलिफेंट दिखे तो पहले आपको गाड़ी बैक कर लेनी है, उसके बाद इतना स्पेस हो आप लोगों के बीच में, हाथी और आपके में, कि भाग सके। हाथी बहुत डेंजरस होता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्कार। और एक और फैमिली आई है हमारे यहाँ पे बरेली से। कैसे हैं सर आप? हेलो जी, बहुत बढ़िया। आज सर का भी शाहविला में स्टे ना? मेरा फर्स्ट स्टे है शाहविला में, एंड आई होप कि जैसा सुना है कुछ, अगर वी विल हैव अ गुड लक तो जरूर कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ना। और बहुत अच्छा लगा वीरू जी से मिलके। अवश्य जी के ब्लॉग में हम काफी फॉलो करते रहते हैं, वीरू जी को तो आज फर्स्ट टाइम मिलने का मौका मिला। वीरू जी को भी फॉलो करते हैं, काफी फॉलो करते हैं, दोनों के सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और फिर कल लौट के जरूर जो है वीरू भाई को बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा खाना बहुत बढ़िया, दीपक खुद बनाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया खाना दोनों तीनों टाइम का। एक उन्होंने वो क्या कहते हैं आपके यहाँ होती है मंडुआ की रोटी, नई चीज थी मेरे लिए, बड़ी अच्छी थी वो, कोदो की रोटी, बहुत अच्छी रोटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों अभी रिवर साइड आ रखा हूँ मैं, और टाइगर ने गाय मार रखी है, और टाइगर बैठा देखो सामने। ये पेड़ दिखाया था मैंने जिसपे बर्ड्स हैं, और एकदम इसी के सामने ये बैठा देखो। हाँ, ये बैठा। अभी थोड़ा सनलाइट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। अरे सामने ये चढ़ गया है। देखिए दोस्तों, राजा राजा ही होता है, अपनी चाल से ही गया। मेल टाइगर है दोस्तों, ये T2 है दोस्तों। अभी वो वापस झाड़ियों में चला गया है, और काफी दूर है। देखो मैं जूम आउट करता हूँ कितना दूर हूँ मैं, देखिए ये देखिए, कम से कम 200 मीटर दूर हूँ मैं अभी दोस्तों। अब समय भी ऐसा हो गया कि शाम होने वाली है अब, और अब हम निकलते हैं, बाकी का जो भी होगा कल दिखाते हैं आपको। और देखिए ये जो टीला है जहाँ पे बर्ड्स का नेस्ट है ऊपर, उसी के राइट साइड में उसने आज सुबह गाय मारी है, और मैं कई बार दिखाता हूँ तो मैं इस वाले टीले से दिखाता हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है नंदकिशोर। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी लोग थे, पर अब वो चले गए हैं, तो अब हम भी निकलते हैं, क्योंकि अभी ये क्रॉस तो होगा नहीं तो इसने क्या करना है कि इस टीले से वापस इधर जंगल में जाना है, ये जाएगा नहीं क्योंकि इसका पेट नहीं भरा है अभी,
ये गाय को खा रहा है, खाने के बाद फिर वापस से पानी में आ रहा है, पानी पी के फिर वापस ऊपर चढ़ रहा है। तो हम लोग जैसे उधर से आए तो देखा तो वहाँ पे वो बैठा हुआ था पानी में, पानी पी रहा था, हाँप भी रहा, वो गर्मी लग रही है उसे तो हाँप भी रहा है। तो अब निकलते हैं वापस। दोस्तों आज टाइगर तीसरी बार कवर कर लिया है और इस ब्लॉग से कई लोग खुश होंगे लेकिन दो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वो दो लोग कौन हैं वो खुद इस ब्लॉग को देख के समझ जाएंगे। और पीछे मून है, मून दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हम वापस से अपने वाले टीले पे आ गए हैं और वो है इस नेस्ट वाले पेड़ के जस्ट पीछे। अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, हो सकता है कि वो यहाँ से निकल के वापस इस तरफ जंगल की तरफ को आए, तो देखते हैं कैसा रहता है। और ये हमारे नंदकिशोर भाई, तो इन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर कर रखा है टाइगर को, आप इनके चैनल पे भी देख सकते हैं। इनके चैनल का नाम है नंदकिशोर ब्लॉग्स, है ना भाई? बिल्कुल, इनके चैनल पे भी देखिए, तो काफ़ी अच्छा कवर कर रखा है। पूरा दिन लगाया उसे कैप्चर करने के लिए। हाँ। और ज़्यादा नहीं, बस 25 सेकंड का कैप्चर कर पाया क्योंकि वो उस जगह में बैठा था पानी में। हाँ। और पानी से उठा और उठते हुए सामने, जैसे कि ये टापू है सामने की ओर दिखा दो, ये टापू है, इस टापू में जैसा कि अभी आपने भी कैप्चर कर लिया जाते वक्त, तो इस टापू में वो आ गया था। ये लोग बैठे हुए थे यहाँ सामने, एक खूंटा है, दिखा लेता हूँ कि लोग सामने पहले वहाँ बैठे थे, उधर खैर का एक खूंटा है। अच्छा, ये पहले यहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद ये इस तरफ का एक खूंटा है, ये लोग यहाँ चले गए थे। मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, टाइगर है यहाँ, ये लोग थे यहाँ, ऐसी होगा 250-300 मीटर। हाँ, 300 मीटर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पहली बार बट वैसे देख चुके हैं काफी बार, जब से YouTube में आए हैं, YouTube में आए तो ये फर्स्ट टाइम है कि टाइगर देखने को मिला है, और जो आपको भी दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, रिस्क नहीं लेना है भाई, बिल्कुल नहीं, बिना रिस्क के का डिस्टेंस लिया था। और उससे पहले नहीं थी तो 1 किलोमीटर समथिंग होगा इतनी दूरी पे थे, बट उस समय देख रहे थे इस दूरबीन से, तो इस दूरबीन से दिखाई दे रहा था, और फोन का जो कैमरा था वो फुल जूम करने के बाद भी नहीं दिखा रहा था इतना, मतलब पिक्सल फट रहा था। चलो बहुत बढ़िया, टाइगर के साथ साथ कुछ और चीजें भी दिखाओ, कुछ नॉलेज बताओ यहाँ के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली